उत्तराखंड की धामी सरकार प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने से मात्र एक कदम दूर है। यूसीसी लागू करने को लेकर लगभग सभी कार्य पूरे किए जा चुके हैं, लेकिन विपक्ष अभी भी लगातार यूसीसी को लेकर सरकार पर हमलावर है, जिसके जवाब में भाजपा विधायक ने कांग्रेस को मुस्लिम लीग कांग्रेस करार दिया है। दरअसल उत्तराखंड राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में साल 2024 बेहद खास रहा है। इसी साल यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की दिशा में राज्य सरकार ने तमाम कदम उठाए हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा भी है कि यूसीसी कानून किसी के भी खिलाफ नहीं है, बल्कि ये सभी की समानता के लिए है। जब यूसीसी ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कमेटी का गठन कर रहे थे, उस दौरान भी इस बात का जिक्र किया गया था, लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से यूसीसी की मंशा पर सवाल उठा रही है, उससे भाजपा आक्रोशित है, और यही वजह है कि यूसीसी को लेकर सरकार पर सवाल उठा रही कांग्रेस पर बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने तीखा हमला बोला है। बीजेपी विधायक ने कहा कि तुष्टिकरण की राजनीति कर रही कांग्रेस का नाम बदलकर अब मुस्लिम लीग रख देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के इस बयान पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। सुनिए कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने क्या कुछ कहा। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। यूसीसी हमारा एजेंडा है, आज का नहीं है, ये जनसंघ के जमाने से, भारतीय जनता पार्टी के जमाने जब शुरुआत हुई थी, तब से लेकर आज तक यूसीसी हमारा मुद्दा रहा है, और आज हम उस मुद्दे का समाधान कर रहे हैं। देश की जनता से जो वादा करके हमारी पार्टी आगे बढ़ी है, आज हम उस पर खड़े उतर रहे हैं। इसके लिए कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल रहा, तो मैं तो अक्सर कह रहा हूँ कि अब ये जो आज की जो कांग्रेस है, ये मुस्लिम लीग बन चुकी है। ये कांग्रेस नहीं रही अभी, ये वो कांग्रेस नहीं जी कभी इस देश की आज़ादी के लिए काम किया होगा, ये वो कांग्रेस नहीं रही जिसने 70 साल तक यहाँ पर शासन चलाया होगा। ये कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज को समर्पित कांग्रेस हो गई है। इसको अपने आप में मुस्लिम लीग कांग्रेस बोल देना चाहिए, मैं समझता हूँ ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए, ये सर्वविदित है, मुस्लिम लीग का समर्थन कौन करता है, मुस्लिम लीग के रास्ते पर कौन चल रहा है, सब जानते हैं। शायद विनोद चमोली जी को इसका ज्ञान नहीं है कि आज़ादी से पहले 37-38 में जब सरकारें बनी थी, ब्रिटिश सरकार ने जब जनप्रतिनिधियों को सत्ता सौंपी थी, यही भारतीय जनता पार्टी थी, हिंदू महासभा इनकी होती थी, इनके लोगों ने मिलकर बंगाल में भी मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, और पाकिस्तान में भी, जो आज पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है, उसमें भी इन्होंने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, और इनके जो जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बंगाल में सरकार में मंत्री हुआ करते थे। शायद विनोद चमोली जी अपना ज्ञान ठीक कर लें, अगर नहीं है तो उसमें ज़रा दुरुस्त कर लें, लेकिन इस तरह के आरोप लगाने से पहले अपने गिरेवा में भी झांकना चाहिए, और जिसके कांच के बड़े घर बने होते हैं उनको दूसरे घरों में पत्थर मारने से बचाना चाहिए।